हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, आज मैं आपको करवाने वाला हूं बीसीओसी 131 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होने वाला है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दैट हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जामिनेशन में पक्का पूछा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सुन लो, समझ लो, और किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। मैं आपको बताता चलूं, आपको हमारे चैनल के ऊपर विजिट करना है, जो कि है कॉमर्स ई पाठशाला। यहां पे आने के बाद आपको यहां पे ज्वाइन का बटन दिखेगा, जिसको आप अगर क्लिक करोगे तो एक हल्का सा एक पॉपअप आएगा, जहां पे आप इग्नू बीकॉम 190 रुपीस पर मंथ का जो हमारा प्लान है, आप उसके साथ जुड़ सकते हो, जहां पे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा रिगार्डिंग ऑल द एक्टिविटीज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट आर हैपनिंग इन इग्नू, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिल जाएंगे। आपको फ्री सॉल्व्ड असाइनमेंट्स मिल जाएगा, जहां पे आपको एक रुपए भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपको बहुत ही लो कॉस्ट में इग्नू के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो नोट्स होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। तो बहुत ही सस्ते दामों पर आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल रही है। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। और साथ में बताता चलूं कि यहाँ पे मैंने बीकॉम का जो न्यू सिलेबस है बीसीओसी 131 से लेकर के 136, 137, 138, बीसीओएस 183, 184, ये सारे के सारे प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दिए हैं, मैंने रेडी कर दिए हैं। और यहाँ पे भी मैं वीडियोस जो है अपलोड करता रहूंगा, जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आप इन सबको वॉचआउट करते रहना, चेकआउट करते रहना, ताकि आपको सारी वीडियोस जो है मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। तो कौन कौन से यूजर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ यू हैव लर्नड दैट मेनी ग्रुप ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच मे हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द एंटरप्राइज, है ना। बहुत सारी चीज जगह पे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, क्लास 11th 12th में भी आपने पढ़ा होगा, किस तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे लोगों की हेल्प करता है। सबसे पहला जो हेल्प वो प्रोवाइड करता है वो ये होता है कि टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, उस एंटरप्राइज का प्रेजेंट पोजीशन क्या है, वो कंपनी इस टाइम पे प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर लॉस इनकर कर रही है, या फिर क्या कंडीशन है उस एंटरप्राइज का, ये आपको पता चल पाता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ टू कंपेयर इट्स प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद द पास्ट और विद द पास्ट डेफिनेटली, तो जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है आप उसको कंपेयर कर पाओगे आप उसके पास्ट के परफॉर्मेंस के साथ, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है डिसीजंस ले पाओगे। नाउ द थर्ड पॉइंट, टू कंपेयर इट्स प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ सिमिलर एंटरप्राइजेस, और आप इसके जो आपके एंटरप्राइज है आप उसके प्रेजेंट परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे और आप कंपेयर कर पाओगे विद द अदर enterprises that are operating in the same domain, जो same domain में other जो operating enterprises हैं, आप उनके साथ compare कर पाओगे with the help of the accounting information that you will get, है ना। तो इसको करना इन तीन चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा important हो जाता है। Now let us see who such parties and how accounting information is useful to various parties. अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे parties हैं जिनको इन accounting informations की आवश्यकता पड़ती है और उनको जो है इस तरह की information की जानकारी उनको चाहिए होती है। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले जो पार्टी है वो है ओनर्स, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनको अपनी बिजनेस के बारे में जानना होता है कि उनका बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, उनका बिजनेस में क्या कंडीशन है, प्रॉफिट उनको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, कहां से कितने पैसे आने बाकी हैं, किनको कितने पैसे देने बाकी हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ओनर्स जानना चाहता है, राइट। सो नाउ ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड एज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस, है ना। तो ओनर जो होता है कैपिटल लगाता है और वो रिस्क को एज्यूम करता है कि अगर किसी भी तरह का रिस्क होगा तो वो उसे बेयर करेगा। नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड टू नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस एंड सो इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब आप किसी चीज में पैसे लगाते हो तो नेचुरली आप उस चीज में इंटरेस्टेड हो जाते हो कि आप जो पैसे लगा रहे हो उसका रिटर्न आपको कैसा मिल रहा है, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपका हर साल जो है ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप इन सब चीजों को देखना चाहते हो, तो नेचुरली ओनर्स भी ये करना चाहते हैं। इफ हाउएवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज इंटरेस्टेड टू पेड मैनेजर्स, द ओनर्स ऑल्सो यूज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स, है ना। तो समटाइम्स क्या होता है कि ओनर्स जो है खुद बिजनेस को नहीं चला रहे होते, वो मैनेजर्स अपॉइंट कर देते हैं जो कि बिजनेस को चलाते हैं, बट स्टिल इन दैट केस ऑल्सो ओनर्स जो होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहे, जिसके जरिए वो मैनेजर्स के परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सके। सो बाई हुक और बाई क्रुक उनको जो है ओनर्स को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है चाहिए होती है उनके बिजनेस को जानने के लिए। नाउ मैनेजर्स, तो मैनेजर्स को डेफिनेटली अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने
जानना होगा ताकि वो देख पाए कि ग्रोथ किस तरीके से हो पा रहा है उतने उनके ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? नाउ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंट बाय द इन्फॉर्मेशन इज ऑफ इमेंस यूज ऑफ मैनेजर्स. इट हेल्प्स देम टू प्लान कंट्रोल एंड इवेलुएट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, है ना? तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है वो एक तरीके से सप्लीमेंट होता है, यू नो, मैनेजर्स के लिए, जिसका इस्तेमाल वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं प्लान बनाने के लिए, उन सारे सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, और जो ऑपरेशंस बिजनेस के चल रहे हैं उनको इवेलुएट करने के लिए. दे ऑल्सो नीड सच इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग. उनको वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए भी ये सारी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, राइट? अब बात कर लेते हैं लेंडर्स के बारे में. दे आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टीज हु लाइक टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस, है ना? Now, the funds are provided by the owners initially. Starting में तो funds जो हैं वो owners ही लगाते हैं, पैसे तो starting में business में वही लगाते हैं. But जैसे जैसे समय बीतता है, आप अपने business को expand करना चाहते हो, उस case में आपको जो है bank से loan लेना पड़ता है. Requires more funds, they provide by the banks और other lenders, जो अन्य लोग हैं जो आपके business में पैसा लगाना चाहते हैं, वो आपके पैसे लगाते हैं. तो जो भी आपके business में पैसा लगाएगा, देखना वो आपके business के बारे में हमेशा जानकारी रखेगा कि आपका business किस तरीके से काम कर रहा है, राइट? बिफोर दे लेंड मनी दे वुड लाइक टू नो द सॉल्वेंसी. जब आप वो पैसे आपको देंगे तो उससे पहले वो चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पास वो सॉल्वेंसी है, क्या आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप अपने डेट्स को, जो आप उधार ले रहे हो, आप उसको चुका सको, है ना? डेट्स का मतलब होता है उधार. सो एज टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट देयर मनी विल बी सेफ एंड दे कैन एक्सपेक्ट रीपेमेंट ऑन टाइम. और वो इसलिए करते हैं ताकि वो इंश्योर हो सकें, वो श्योर हो सकें कि एक तरीके से जिस भी बिजनेस में वो लोग पैसे लगा रहे हैं, वो पैसा वहाँ पे उनका डूबेगा नहीं और उनको रीपेमेंट जो है सही टाइम पे उनको हो जाएगा. सो लेंडर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्टीज जिनको इस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है. नाउ क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स वो हो गए जो कि उधार पे आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या फिर सामान प्रोवाइड करते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए करते हो. सो दोज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, है ना? तो जो भी व्यक्ति अपने गुड्स एंड सर्विसेज को आपको फ्री में प्रोवाइड, क्रेडिट में, उधार में इस्तेमाल करने के लिए देगा, उसे कहेंगे क्रेडिटर्स. Like lenders, they too want to know about the solvency of the enterprise. तो जो जिस तरह से lenders होते हैं, उसी तरह से creditors भी होते हैं, जो कि आपको, you know, एक तरीके से credit में अपने goods and services को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं. तो definitely lenders की तरह उनको भी ये जानना होता है कि आपके business की solvency कैसी है, और ये decide करना होता है कि उनका जो credit है, वो उनको वापस जो है मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, right? Now prospective investors, जो company में पैसे invest करना चाहते हैं, ना, जिन्होंने पैसे अभी तक invest नहीं किया पर करना चाहते हैं, वो भी आपके बिजनेस के पोजीशन को चेक करना चाहेंगे. अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म और कंसर्न, अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी वुड लाइक टू नो हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोजल इन्वेस्टमेंट वुड बी, है ना? तो डेफिनेटली जब मैं भी किसी कंपनी में पैसे लगाता हूँ, शेयर मार्केट में जब मैं पैसे लगाता हूँ, तो उस कंपनी का जो प्रीवियस जो बैलेंस शीट रहा है या जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ कि वो कंपनी किस तरीके से काम कर रही है. अगर वो इन फ्यूचर में अच्छा काम नहीं कर रही होगी, नहीं कर पाएगी, तो फिर हमें लॉस हो जाएगा, है ना? तो उसका पास्ट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसीलिए तो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर होता है, जो कंपनी में पैसा लगाता है, जो शेयर होल्डर होता है, जो पैसे से शेयर खरीदता है, वो एक तरीके से इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखता है. इन सब चीजों के मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में. सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है उनके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके लिए वो, यू नो, जानकारियां इकट्ठा करते हैं. नाउ टैक्स अथॉरिटीज. अब जब आप बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको टैक्स भी पेमेंट करना है. तो जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो आपके ऊपर एक तरीके से नजर रखती हैं ताकि आप किसी भी तरह का टैक्स इवेजन ना करो, है ना? सो टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो एज टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज. तो जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो ये इंटरेस्टेड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी बनती है, मतलब अगर आपको कुछ पैसे टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करने हैं, तो आप उसको पेमेंट करो, इस चीज को इंश्योर करने का काम जो है टैक्स अथॉरिटीज करती हैं. Now the last point is employees. So employees also want to know the present condition of a business, है ना? वो accounting information के जरिए present condition of the business जानना चाहते हैं, ताकि उनको भी ये surety रहे कि जिस organization में वो काम कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से चलते रहे, you know, किसी भी तरह का, you know, loss ना हो या फिर company बंद ना हो जाए, है ना? So employees of the enterprise are also interested in knowing the state of the affairs of the organization in which they are working, है ना? जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ के बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं. So as to know how safe their interests are in that. तो किस तरीके कितना वो सेफ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये जानने के लिए वो भी जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं. सो दीज आर द इंटरेस्टेड पार्टीज हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, राइट? सो दे आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एज वेल. सो दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड. आई होप कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो. मिलते हैं अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखो. बाय बाय. थैंक यू.